जैसे आपको अवेयर है, साइबर क्राइम एक बढ़ता हुआ बिजनेस है पूरे राजस्थान में भी, अजमेर में भी पड़ रहा है। तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, बैंक की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी के लिए एक सेमिनार रखा गया है आज पुलिस लाइन सभागार में, जिसमें ये जानकारी दी जाएगी कि साइबर फ्रॉड किस तरह से होते हैं दी गई है, जिसमें कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, साइबर फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जाए, तो इस सब की जानकारी दी गई है। और सबसे मेरी यही अपील है कि दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि बैंक कभी भी आपसे किसी भी तरह की कोई भी डिटेल नहीं पूछता, ना उसमें कार्ड की डिटेल है या कोई मोबाइल नंबर चेंज करने की डिटेल है, किसी तरह की कोई डिटेल है, तो उसको आप ना किसी को फॉलो करें। और किसी भी तरह का OTP किसी के साथ भी शेयर ना करें जो आपके मोबाइल फ़ोन पे आता है, या आपकी UPI ID है उसका जो पासवर्ड है उसको भी किसी के साथ शेयर ना करें। ये दो मुख्य कारण हैं साइबर फ्रॉड होने के। और अगर कहीं ATM वगैरह फंस जाता है तो ATM किसी और जगह से जाके निकाल लें, किसी और की मदद ना लें इसको लेने के लिए। इस तरह के मुख्य काम अभी साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है।